हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो आज वाला वीडियो होने वाला है स्नीक पिक नंबर 3। जी हाँ, दो के ऊपर मैं ढंग से वीडियो कवर नहीं कर पाया तो बट फाइनली आज अपन कर रहे हैं। एंड आज का स्नीक पिक आप सभी को पता चल चुका होगा, सुपर विजार्ड। तो अपना न्यू सुपर ट्रूप आने वाला है यार, कितने एक्साइटेड हो। एंड अपन उसी सुपर ट्रूप के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में कि वो कैसे वर्क करने वाला है, क्या उसके हिट पॉइंट होने वाले, डीपीएस होने वाला है, किस तरह का डैमेज देगा, क्या उसकी एबिलिटी रहने वाली है, क्या कुछ स्पेशल है, कितना उसका हाउसिंग स्पेस होने वाला है। तो इन सब चीजों पे मैं आज बात करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देखना, एंड उसका गेम प्ले भी हम आपको दिखाई देगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सुपर विजार्ड उस ट्रूप का नेम होने वाला है, ठीक है। अब नेम के साथ साथ बहुत कुछ उसको करना भी है, तो मैं उसके साथ साथ अभी आपको बताता हूँ उसका डीपीएस क्या होने वाला है, किस तरह का ट्रूप है, कैसे वर्क करने वाला, लाइक बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसका हाउसिंग स्पेस ओनली 10 का रहने वाला है गाइस। तो 10 का हाउसिंग स्पेस है सुपर विजार्ड का, तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है अपने लिए कि ओनली 10 का हाउसिंग स्पेस है किसी ट्रूप का, तो वो बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाला है। एंड इसके अंदर सुपर एबिलिटी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन से लेवल पे अनलॉक होने वाला है इसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, लेवल 9 का अगर विजार्ड होगा आपके पास तब आप इसको अनलॉक कर पाएंगे, तो लाइक मे बी टाउन हॉल 12 या फिर टाउन हॉल 13 पे लेवल 9 होता है, तो हाँ वो देख लेना, मेरे को अभी कंफ्यूज हूं मैं। बट या लेवल 9 एंड 10 के लिए आप सुपर विजार्ड को यूज कर पाएंगे। अब इसका जो कॉस्ट रहने वाला है, कॉस्ट रहने वाला है 25,000 डार्क एलिक्सर, 3 डेज के लिए बूस्ट होगा। डेफिनेटली अपडेट के बाद आपको पता है 2 ट्रूप आप बूस्ट कर सकते हो, तो वही वाला सीन है, 25,000 डार्क एलिक्सर मांगेगा, 3 डेज के लिए बूस्ट हो जाएगा। हाउसिंग स्पेस 10 का रहने वाला है। अब दो लेवल पे मैं इसके डीपीएस और हिट पॉइंट वगैरह आपको बता देता हूँ। लाइक अगर लेवल 9 का आपके पास सुपर विजार्ड है तो गाइज उसका डीपीएस होने वाला है 220 का, हिट पॉइंट्स होने वाले 450 के, तो काफी अच्छे है। एंड हाउसिंग स्पीड 10 एंड मूवमेंट स्पीड ट्रूप की होने वाली है 20 की, सो आई थिंक इट्स गुड यार, गुड इनफ, लाइक ठीक है, ठीक है। एंड लेवल 10 वाले ट्रूप की बात करें अपन सुपर विजार्ड की ही, तो लेवल 10 का जो सुपर विजार्ड होने वाला है ना, वो तबाही होने वाला है। बट उस सुपर ट्रूप का अगर आप एचपी और हिट पॉइंट की बात करोगे तो एचपी होने वाली है 500 एंड हिट पॉइंट्स होने वाले हैं 240। तो एक बार ये जो अभी मतलब लाइक डीपीएस होने वाला 240, तो अभी वाले विजर्ड से अगर मैं उसको कंपेयर करूं, सो देयर इट इज द लेवल 10 विजर्ड। तो गाइस अगर आप इसका डीपीएस देखोगे डैमेज पर सेकंड तो 245 है, बट अगर आप इसको सुपर में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका डीपीएस रहने वाला है 240, तो लाइक लगभग बराबर ही है। एंड इसका जो एचपी है हिट पॉइंट वो 250 है, बट सुपर विजार्ड का हिट पॉइंट होने वाला 500, लाइक जस्ट डबल कर दिया गया है। एंड इसका जो ट्रेनिंग टाइम है नॉर्मल विजार्ड का 25 सेकंड है, उसका ट्रेनिंग टाइम 1 मिनट एंड 15 सेकंड का रहने वाला है, सो ये बढ़िया है, ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही वो बन जाएगा, तो बढ़िया है। एंड नेक्स्ट टारगेट, अब मैं इसकी मेन जो सुपर विजार्ड आने वाला है उसके ऊपर मेन बात करते हैं, उसकी एबिलिटी के बारे में जो उसको सुपर बनाती है। तो गाइज अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रो ड्रैगन किस तरह से अटैक करता है, लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो ईडी अटैक में लाइक देयर इट इज द ईडी, सो अपन चलते हैं एक अटैक पे। अगर मैंने यहाँ पे एक ईडी डिप्लॉय करा तो अभी इसका डैमेज देखना गाइज आप, सो यहाँ पर ये चेन में डैमेज दिया इसने, इतनी सारी बिल्डिंग्स को डैमेज दिया। तो सेम इसी तरह से वर्क करने वाला है अपना सुपर विजार्ड, वो देने वाला है चेन डैमेज, एंड मैक्सिमम उसके चेन डैमेज का टारगेट होने वाला है 10, वो 10 से ज्यादा चेन डैमेज में टारगेट नहीं कर सकता बिल्डिंग्स या डिफेंसेस जो भी हो। सो यही है, मतलब चेन डैमेज देगा सुपर ट्रूप, हाउसिंग स्पेस कम है। लाइक अब बात करें उसको कैसे यूज कर पाओगे, तो गाइस कॉर्नर की बिल्डिंग में चेन डैमेज से बहुत अच्छा फनल क्रिएट हो सकता है, 10 हाउसिंग स्पेस है अभी, लाइक कई जने 80 यूज करते, कई बार फनल के लिए 18 हाउसिंग स्पेस है, तो सुपर विजार्ड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये है, ये रही बात उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन की बात करी अपन ने, अभी बाकी है उसका गेम प्ले, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं उसके गेम प्ले के ऊपर। सो गाइस चलिए अपन यहां पर देख लेते हैं सुपर विजार्ड्स का गेम प्ले। तो अगर आप देखोगे जो मैंने चेन डैमेज आपको बताया था तो वो यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर एक साथ विजार्ड एक हिट कर रहा है, उसके पीछे के जो भी स्टोरेज है सबको एक साथ में यहां पर डैमेज मिल रहा है, तो यही सुपर विजार्ड की एक मेन जो एबिलिटी बोलोगे वो है। अगर आप देखोगे पांच जो इसके अपने स्टोरेज है उन सबको टारगेट कर रहा है, तो सुपर विजार्ड एक तरह से लाइक अगर
बिल्डिंग्स बिल्कुल पास पास है और कॉम्पैक्ट टाइप का बेस है, तो फनल कंडे में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एंड मेन मतलब सुपर विजर्ड का यूज कहां होगा, मेरे हिसाब से तो फनलिंग में यूज होने वाला है। एंड लुक क्वाइट गुड है, मतलब यार विजर्ड का जो फोटो भी बनाया है ना, एनिमेशन भी बनाया है, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एंड ये हिट्स जो दे रहा है बहुत अच्छे हिट्स दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर विजर्ड आगे की तरफ आया एंड ये बिल्कुल मतलब डैम मतलब काफी कूल है। एंड ये तो रहा बात इसके चैन डेमेज का, अगर अपन बात करें अगर मास अपन सब कुछ ही सुपर विजर्ड को ले जाकर अपन अगर स्पैम कर दे तो उस स्पैम अटैक में क्या होगा, तो चलिए अभी मैं आपको एक और अटैक रिप्लेस दिखाता हूँ यहाँ पर इसका एक और अटैक का। एंड उसमें क्या है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अभी 30 जो विजर्ड्स है सुपर विजर्ड्स वो ले रखे हैं। एंड अभी चैन डेमेज से एक बार इस बेस पर अटैक किया जाएगा एंड फिर देखते क्या कुछ कमाल कर पाते। वैसे सुपर विजर्ड मेरे को नहीं लगता ज्यादा कुछ कर पाएंगे, बट गाइस यहाँ पर एक विजर्ड को डिप्लॉय किया, पास का बिल्डर हट भी टूट गया। एंड यही मेन है, अगर पास पास में डिफेंसेस या कुछ भी बिल्डिंग्स पड़ी है तो एक साथ चेन डेमेज में विजर्ड उनको ले लेगा। बस हिट पॉइंट मतलब इनका जो एचपी है वो बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं है, एंड इनका खुद का भी पावर बहुत कम होता है, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो इतने एक साथ सुपर कैपेसिटी में तो मतलब सुपर सब कुछ ही ये यूज कर तो अटैक नहीं किया जा सकता। बट चलिए यहाँ पर देखा अपन ने केवल एक विजर्ड को डिप्लॉय करके उसने दो बिल्डिंग डाउन कर दी, तो एक बेनिफिट ही है, मतलब विजर्ड बहुत जल्दी मर जाते हैं एंड सुपर विजर्ड भी कुछ उसी टाइप का है। बट गाइस स्टिल यहाँ पर अगर अपन स्पैम करके देखे तो देखते क्या कर पाएंगे, यहाँ पर सुपर विजर्ड सबको डाले डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट गाइस देख सकते हो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर मर रहे हैं सुपर विजर्ड, तो इतना ज्यादा इनका हिट पॉइंट नहीं है। ऑफकोर्स यूज कर सकते हो बट इतना अच्छे से मतलब लाइक फनलिंग में ज्यादा यूज होने वाला है आई थिंक। तो ये है अपना स्नीक पिक नंबर 3 सुपर विजर्ड, कैसा लगा कमेंट करके बताना। चलिए ये सुपर विजर्ड मतलब लाइक आई थिंक इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकते हैं फनल में। सो गेम प्ले देख लिया, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग अमेजिंग ट्रूप है। एंड गेम प्ले देखने के बाद तो यार आई जस्ट वांट टू यूज इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अभी जब आएगा तब अपन सुपर ट्रूप यूज करेंगे एंड अपडेट बहुत जल्दी आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड रखो। स्नीक पिक 3 आ चुका है, अभी थोड़े बहुत और स्नीक पिक आने बाकी है, तो कितना एक्साइटमेंट लेवल है यार आप में कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप क्या चीजें सोच रहे हो, कमेंट लो जाओ बताओ क्या चल रहा है। एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस स्ट्रीम्स वगैरह हमारे चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते, तो करना क्या है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब बोलते हो यार, नीचे एक लाल बटन है यार दबा देना। एंड कैसा लगा आपको ये सुपर विजर्ड का सुपर कुछ एक्सपेरिमेंट, ये भी कमेंट करके बता देना। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्लैश ऑन। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं हो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना, मिलकर चिल करते हैं हम डिस्कॉर्ड पे, तो आप आओगे तो हमारे यहाँ चिल और बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्लैश ऑन, हैव अ नाइस डे क्लैशर्स।